कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया। हमेशा जब मैं शुरू करती हूँ मैं बहुत नर्वस रहती हूँ और फिर ऐसे झट में ही ख़त्म हो जाता है, मैं रियलाइज़ भी नहीं करती हूँ। मुझे कोई धकेल देता है स्टेज पे एंड इट्स लाइक वन यू डोंट इवन रियलाइज, एक ड्रीम की तरह है। एंड आई एम लुकिंग, आई वांट टू सी ऑल द फोटोज फास्ट। आप अटायर के बारे में भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप एक ब्रांड को लाइक ब्रांड के एंबेसडर है। जी, इट्स अ ब्यूटिफुल ऑरेंज, मुझे ये कलर बहुत पसंद है एंड ये विटामिन सी रेंज से इंस्पायर्ड है। और माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस आउटफिट इज़ कि वो ये बहुत कंफर्टेबल है, लाइक आई कैन डू एनीथिंग इन दिस आउटफिट। जैसे आपने कहा, कंफर्टेबल स्टाइलिंग ही पसंद करती हूँ। अगर आप मुझे हर दिन देखोगे तो मैं हमेशा ट्रैक पैंट्स में, शॉर्ट्स में, टी शर्ट्स में, ऐसे चप्पल में बाहर जाती हूँ। So yeah, this show is all about the fashion. Who do you think is the most fashionable Bollywood actor? Shahrukh Khan. Yeah. और किसका फैशन सबसे ज़्यादा आपने फॉलो करते हैं? काफ़ी लोग हैं, but I think रणवीर सिंह, क्योंकि जो वो करना चाहता है वो करता है। अगर आपको फैशन डिफाइन करना हो वन वर्ड में या सेंटेंस में तो कैसे करेंगे? What is fashionable? Be yourself. Be yourself. Yeah. साथ ही जिस तरीके से आपके प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हिट जा रहे हैं, लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में और भी कौन से नए प्रोजेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे? तो मैं अभी ड्रीम गर्ल के लिए शूट कर रही हूँ। आज मुझे एक ब्रेक मिला था तो मैं रैम्प पे चल रही थी, पर मेरी फिल्म खो गए हम कहाँ हमने अभी कंप्लीट किया, तो वो अगले साल आने वाली है और 3 और प्रोजेक्ट्स अभी अनाउंस होने वाले हैं। हिंदी में तो आपको बहुत प्यार मिला ही, और प्लस साउथ में भी आपको लाइगर से बहुत सारा प्यार हमने देखा कि जब आप प्रमोशंस कर रहे थे तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। जी, देखते हैं आप इस प्यार? आई थिंक वो सबसे I'll just answer this one. वो सबसे यादगार एक्सपीरियंस रहा था कि बहुत टाइम के बाद हम इतने सारे लोगों से मिले, उनके साथ हमने सेलिब्रेट किया। इट फेल्ट रियली रियली नाइस टू फील ऑल दैट लव। थैंक यू।